एयरटेल मनी स्टोर में होने वाला है बहुत बड़ा हादसा, वो भी सुमन के साथ। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि यहाँ पर वही दूसरी तरफ यहाँ पर देव और ऋषिता दोनों ही बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं आग लगने की वजह से, और उस पर इल्ज़ाम लगा है देव पर, और वो सीसीटीवी फुटेज की बात करके रोने लग जाता है कि किसी को भी यही लगेगा मैंने आग चलाई है। हमें इस बात करने का मतलब नहीं है, अब हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि पूरा परिवार दुकान के बाहर पहुँचता है और अब धरा ने फिर से कमर कस ली और सभी लोग फिर से हिम्मत करते जुटाते नजर आते हैं। और धरा को ये सुमन कहती है कि वापस वैसी से पहले जैसी दुकान हो जाएगी ना, तेरे पापा ने उन्होंने बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मन से ये दुकान बनाई थी और सोमनाथ का ये जो है सम्मान है, जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कैसे नहीं बनेगी, सब कुछ बनेगी, और सभी लोग यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने का डिसाइड करते हैं। फिर देव और ऋषिता पहुँचते हैं और देखने को मिलता है देव और ऋषिता दोनों उन्हें पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है कि ये दुकान तेरा प्रॉफिट है लेकिन तेरी दुकान तो जनार्दन के पैसों से बनी और मैं कभी भी नहीं ले सकता, जिसके बाद में साफ इनकार कर देता है। तो देव को बहुत बुरा लगता है, सुमन एक शर्त रखती है कि तू घर लौट कर वापस आ जा, और उसे ये भी पता चलता है कि गोमी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है, जिसके बाद में उसके होश उड़ जाते हैं। और देखने को मिलेगा कि वो देव को मनाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर साफ वो आने से मना कर देता है। और ऋषिता भी कहती है पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, रिश्तों में पहले ही बहुत कड़वाहट हो चुकी है, साथ रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ पैसे लेने से इनकार मत करो। उन दोनों को बहुत दुख हो रहा होता है कि दुकान चल गई है। तो वहीं पर सभी के घर वाले जुट जाते हैं बाहर सामान लाने के लिए, रखने के लिए, और वो भी वादा करता है कि वो ये दुकान वापस से बना के ही रहेगा। वहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर सड़क पर चावल वावल सबको सामान बेचते नजर आता है गौतम, तो दूसरी तरफ शिवा यहाँ पर टेम्पो चला कर यहाँ पर माल लोड करने यानी काफ़ी तकलीफों में हो रहा था, और कोई लोग उसका मजाक भी बनाते नजर आते कि अरे भाई हीरो तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तू ये कर देगा वो कर देगा कॉम्पिटिशन जीतने के बाद, जिसके बाद ऋषिता उनकी क्लास लगाते नजर आती है। कॉम्बी को बोरियाँ उठाते हुए देख यहाँ पर शिवा खुद बोरियाँ उठाते नजर आते, और उसे फिर से एक बार बचपन याद आ जाता है। तो वहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऋषिता की तबीयत खराब हो रही होती है और देव उसे संभालते नजर आता है कि वो दोनों ही काफ़ी टेंशन में आ चुके हैं इस ब्रांडी स्टोर को लेकर, और इसकी वजह से ऋषिता की हालत खराब होती है। वहीं पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर देव जनार्दन की गाड़ी में जा रहा होता है और इसको देख लेती है सुमन, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टलता है, लेकिन उसके बाद में उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है और शिवा और रावी उसकी जान बचाते नजर आते हैं, लेकिन उसको पैनिक अटैक आता है जिसकी वजह से वो चली जाती है, यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो जाती है और उसकी हालत और बुरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके बाद में घर वालों के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। अब देखते हैं कि अब घर वाले इसका खर्चा कैसे उठाते हैं।